हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कड़े सुरक्षा पहरे में शुरू हुई रीट परीक्षा, 2640 परीक्षार्थियों को आवंटित किए गए 6 परीक्षा केंद्र, 2240 परीक्षार्थियों में दौड़ा दिमागी घोड़े, 400 परीक्षार्थी रहे गैर मौजूद, निर्धारित समय पर शुरू हुई परीक्षा, तलाशी व जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में जाने की दी गई इजाजत, मोबाइल व अवांछित वस्तुओं को अंदर ले जाने की नहीं दी गई इजाजत, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का लेते रहे जायजा। आबू रोड के 6 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू हो गई। सुबह से ही परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया, वहीं पुलिस कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। परीक्षार्थियों की कड़ी जांच व तलाशी ली गई, मोबाइल व अवांछित वस्तुओं को केंद्र से बाहर ही रखवा दिया गया। अभ्यर्थियों के थर्मल स्क्रीनिंग की गई, बिना मास्क के पहुंचे अभ्यर्थियों को मास्क उपलब्ध करवाए गए। जांच में सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर जाने की इजाजत दी गई। SDM, DSP व थाना अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। 2 पारियों में होने वाली रीट परीक्षा के चलते प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। नतीजतन सुबह निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई, परीक्षार्थियों की जांच की गई, महिला पुलिस कर्मियों ने महिला अभ्यर्थियों की तलाशी ली, किसी भी तरह के आभूषण, इयररिंग, कचर, हाथों में पहनी मेटल की चूड़ियां आदि उतरवा दिए गए। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की जांच की गई, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, बिना मास्क के पहुंचे अभ्यर्थियों को मास्क उपलब्ध करवाए गए। इसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया गया। वही सभी 6 परीक्षा केंद्रों के बाहर खाकी अलर्ट मोड पर रही। परीक्षा केंद्र के आसपास बैठे अभिभावकों लोगों को दूर हटा दिया गया। SDM अभिषेक सुराना ने CIT परीक्षा केंद्र व रेवतर SDM रामजी भाई कलबी ने चंद्रवाल कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। DSP प्रवीण कुमार सेन, शहर कोतवाल सरोज बैरवा आदि पुलिस अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। जयपुर सेंट्रल जेल से पहुंचा कैदी, 4 सशस्त्र पुलिस गार्ड के बीच कैदी हनुमान बिश्रोही भी जयपुर सेंट्रल जेल से परीक्षा देने पहुंचा। सुरक्षा पहरे में पहुंचे कैदी की तलाशी ली गई, उसके प्रवेश पत्र की जांच की गई। सघन जांच के बाद पुलिस जवान उसे केंद्र के अंदर लेकर पहुंचे। 400 अभ्यर्थी अनुपस्थित, आबू रोड के सभी 6 परीक्षा केंद्रों पर 2640 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई, लेकिन 2240 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, 400 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कहां कितने परीक्षार्थी, HE इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा केंद्र में 73 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र में 416 में से 343 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। सेंट जॉन स्कूल परीक्षा केंद्र में 59 परीक्षार्थी गैर मौजूद रहे। परीक्षा केंद्र में 416 में से 357 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। चंद्रवाल कॉलेज सेंटर में 53 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 312 में से 259 परीक्षार्थियों ने सवालों के जवाब दिए। सेंट असलम स्कूल परीक्षा केंद्र में 72 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। 416 में से 344 ने परीक्षा दी। सेंट पॉल परीक्षा केंद्र में 68 परीक्षार्थी एब्सेंट रहे। 480 में से 412 परीक्षार्थियों ने दिमागी घोड़े दौड़ाए। CIT परीक्षा केंद्र में 75 परीक्षार्थी नहीं पहुंचे। कुल 600 में से 525 परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। जागरूक TV के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।